नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अनिश्चित दिनचर्या और लंबे समय तक काम करने की वजह से पुलिसकर्मी कई बार अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जाहिर है, इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इसका इंतजाम कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय में बनाए गए फिटनेस सेंटर की। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर के जरिए पुलिसकर्मी अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के जवान दिन रात कार्यरत रहते हैं ताकि राजधानी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे और नागरिकों को सुरक्षा का माहौल प्रदान किया जा सके। इसके लिए जहां दिल्ली पुलिस समय समय पर अपने आप को आधुनिक तकनीक से लैस करती रहती है, वहीं वो अपने पुलिस कर्मियों की सेहत और अन्य सुविधाओं का भी बराबर ख्याल रखती है। इससे पुलिस कर्मियों पर काम का दबाव तो कम होता ही है, उनकी कार्य क्षमता में भी इजाफा होता है। इसी के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय बिल्डिंग में डीपी एक्टिव मिशन के तहत एक फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। हाल ही में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने जिम में लगे विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण किया। इस फिटनेस सेंटर में फुली फंक्शनल जिम के अलावा एक योगा सेंटर और एक कसरत लाउंज बनाया गया है। कार्डियो मशीन के साथ साथ इस सेंटर में तमाम आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे पुलिसकर्मी अपनी सुविधा अनुसार यहां पर वर्कआउट कर सके। उपयोगकर्ताओं को सलाह देने के लिए इसमें दो फिजियोथेरेपिस्ट और एक डाइटिशियन सहित फिटनेस ट्रेनर और काउंसलर भी मौजूद रहेंगे। पुलिस परिवार के सदस्य और महिला अधिकारी भी इस फिटनेस सेंटर की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की योजना अपने कर्मियों के लिए अन्य जिलों और यूनिट्स में इस प्रकार के फिटनेस सेंटर खोलने की है, ताकि वो खाली समय में व्यायाम कर खुद को तंदुरुस्त रख सके। वर्जिश करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तंदुरुस्ती से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। यकीनन दिल्ली पुलिस की एक शानदार पहल है। इसकी बदौलत सभी रैंकों के अधिकारी और कर्मी और भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त रह सकेंगे। इससे वो पुलिसिंग की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेंगे और राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकेंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा PhD हाउस में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस के कार्यों और क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया।
पुलिस आयुक्त ने व्यवसायियों की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को एक अलग पहचान दिलाई जा सके, इसी मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का नाम से पॉडकास्ट सीरीज चलाई जा रही है। इस पॉडकास्ट सीरीज में अब तक उल्लेखनीय कार्य करने वाले 14 पुलिस अधिकारियों की प्रेरक और साहसी कहानियां प्रसारित की जा चुकी हैं। हाल ही में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इन पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र सहित ₹2,000 का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि पुलिसिंग को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। देश के वीर योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्दी नहीं ये खाल है, सिटीजन्स ग्रेटिट्यूड टू गैलेंट वॉरियर्स 2022 शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपने अंगों की कुर्बानी देने वाले वीर योद्धाओं को पुरस्कार प्रदान किए। चाहे होली हो, रमजान हो, दिवाली हो, ईद हो, वी आर ऑलवेज ऑन ग्राउंड। आप देखेंगे 24/7 द पुलिस वर्क्स। जरूरी ये भी है कि किसी ने कहा है कि इट इज बेटर टू लाइट वन कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ये लोग हैं, दे आर ऑल लैम्प्स, यू नो, दे हैव लिट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लैम्प्स जितने बढ़ेंगे, खासकर आजकल के टाइम में, आजकल के समय में, वी नीड मेनी मोर लैम्प्स। ऐसे वीरों का सम्मान यकीनन एक नेक काम है। मध्य जिला पुलिस ने एक देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट के चंगुल से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 महिलाओं समेत 4 अन्य आरोपी भी इस मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इन्होंने आईपी एस्टेट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। इनका इरादा इसे देह व्यापार के दलदल में धकेल देने का था। आईपी एस्टेट से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिए जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत छानबीन में जुटी पुलिस ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मथुरा स्थित एक होटल में छापा मारा और लड़की को सकुशल बरामद करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। एक सनी नाम का लड़का जो कि अपने आप को किन्नर बताता है और वो किन्नर बन के इधर उधर क्लब्स में कुछ काम भी इस तरह के करता है, और वो उससे दोस्ती करके उस लड़की को फुसलाकर वो और उसकी बहन पूजा उसको लेकर अपने साथ ले गए मथुरा में। इसको एक कोसी कला के इलाका है मथुरा में, उस पुलिस स्टेशन के इलाके में एक होटल ओयो होटल में उसको रखा गया, और वहाँ होटल का जो केयरटेकर है, जिसने होटल लीज पर लिया हुआ है, और उसकी वाइफ, वो दोनों मिलकर उसको नशे के इंजेक्शन देते रहे और उसको इस गलत काम में उसको इन्वॉल्व रखा। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तरी जिला पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में 2 शख्स ईशु अग्रवाल और सुमित सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी में लगे हुए थे। ये मोबाइल ऐप के जरिए पैसों का लेन देन किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर स्थित एक घर में आईपीएल मैच में सट्टे का खेल खेला जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल 10 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर ऋतिक और शाहिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला क्षेत्र में ऑटो लिफ्टिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। मोहन गार्डन स्थित पोसवाल चौक पर गश्त कर रही पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक भागने लगे। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है।
दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दो शातिर झपटमार मोनू और तौफीक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक पर घूमकर शिकार की तलाश किया करते थे। ये खासकर पैदल चल रहे लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे और मौका मिलते ही उनका मोबाइल फोन छीनकर रफू चक्कर हो जाते। दिल्ली से छीने गए मोबाइल फोन्स को ये हरियाणा के मेवात क्षेत्र में ले जाकर बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी के मोबाइल फोन्स के साथ दो झपटमार मां आनंदमयी मार्ग से गुजरने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद करते हुए लूटपाट और छीना झपटी के 12 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने कार जैकिंग और लूटपाट के आरोप में गौरव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी आसानी से पैसा कमाने और नशे के लिए लूटपाट किया करता था। अपने साथी के साथ मिलकर ये दिल्ली और हरियाणा में लूटपाट की कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस को चकमा देने के लिए लूटपाट के बाद ये कार को घटना स्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से एक शख्स अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और संभावित स्थान पर छापेमारी कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए लूटपाट और कार जैकिंग के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके सरगना नाइजीरियन नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन नागरिक अवैध तरीके से भारत में रहकर ड्रग्स के इस धंधे को चला रहा था। आरोपी ड्रग तस्कर दिल्ली स्थित कुरियर कंपनियों के माध्यम से विभिन्न देशों में हेरोइन और अन्य पार्टी ड्रग्स के पार्सल भेजा करते थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए ये फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर इन पार्सल की बुकिंग किया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपने साथी को मादक पदार्थ की खेप देने के इरादे से एक नाइजीरियन नागरिक नजफगढ़ इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से किलोग्राम से भी ज्यादा मादक पदार्थ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने नकली नोटों से खरीदारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला नीतू और आसिफ रजा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जाली करेंसी के धंधे से जुड़े अपने अन्य सूत्रों से 2000 रुपए के नकली नोट लेकर साप्ताहिक बाजारों और छोटी छोटी दुकानों पर खरीदारी करते थे। इन बाजारों में भीड़ होने के कारण यहां नकली नोटों को खपाना आसान होता था। ये 2000 का नकली नोट देकर दुकानदार से कम पैसे की खरीदारी करते थे, ताकि रिटर्न में इन्हें उनसे अधिक से अधिक असली नोट मिल सके। पुलिस ने जाली करेंसी के घोर धंधे से जुड़ी एक महिला नीतू को गुप्त सूचना मिलने पर दबोच लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर इस धंधे में शामिल आसिफ रजा को भी दिलशाद गार्डन इलाके में दबिश देकर धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोटों के रूप में 2000 के 7 नोट सहित नकली नोटों के बदले इकट्ठे किए गए 1,40,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी मुशाहिद और नीरज को गिरफ्तार किया है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियन होने की वजह से मुशाहिद को कारों के हर पार्ट की अच्छी खासी जानकारी थी। इसी जानकारी का इस्तेमाल कर ये अपने साथी नीरज के साथ मिलकर कारों को आसानी से चुरा लेता था। दोनों मिलकर तकरीबन 50 कारों को चोरी कर मेरठ में ले जाकर बेच चुके हैं। कार चोरी करने के लिए ये की कोडिंग टैप, डुप्लीकेट चाबी और हथौड़े का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलांस से जानकारी मिली कि कार चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य मुशाहिद शकूरपुर इलाके में चोरी की गाड़ी से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा, जबकि इसका साथी आरोपी नीरज मौका पाकर भागने में सफल हो गया।
बाद में मुशाहिद की निशानदेही पर पुलिस ने नीरज को भी पीतमपुरा के संजय पार्क से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 चोरी की कारें, कोडिंग टैप सहित चोरी करने में इस्तेमाल डुप्लीकेट चाबियां भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एम्बर ग्रिस यानी वेल मछली की उल्टी की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी गौतम, राजेश जोशी और रोहित सागर को गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए में बिकने वाली एम्बर ग्रिस को ये बदायूं के रहने वाले एक व्यक्ति से लेकर कमीशन बेस पर आगे बेचने का धंधा कर रहे थे। इनके टारगेट पर पौश इलाके में रहने वाले लोग ही होते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो एम्बर ग्रिस बेचने के लिए बड़े ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो लाजपत नगर स्थित एक होटल में आने वाले हैं। पुलिस ने फेक कस्टमर बनकर इनसे एम्बर ग्रिस खरीदने के लिए डील कर होटल में मीटिंग सेट कर ली। इसके बाद पुलिस ने रंगे हाथों पहले गौतम, फिर राजेश और आखिर में रोहित को होटल से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 किलो एम्बर ग्रिस भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 22 करोड़ रुपए बताई गई है। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी श्याम को गिरफ्तार किया है। नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्याम इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोरी और आर्म्स एक्ट के 12 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में इस पर पहले से ही दर्ज हैं। मोहन गार्डन इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुख्यात स्नैचर श्याम इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस सहित 2 गोल्ड चेन भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात बदमाश परमजीत उर्फ गोला को गिरफ्तार किया है। गोला कल्याणपुरी थाने का घोषित बदमाश है। इस पर पहले से 18 जघन्य आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल बदमाश गोला सराय काले खां बस स्टैंड के पास मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी को चावल से भरे कंटेनर्स भेजने का ऑर्डर देकर 7 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले एक अन्य कंपनी के आरोपी निदेशक संदीप तिलवानी को गिरफ्तार किया है। ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार से जुड़े संदीप ने एक महिला की कंपनी को चावल के 640 कंटेनरों की ढुलाई के लिए 11.2 करोड़ रुपए में 74 बुकिंग का ऑर्डर दिया था। महिला का भरोसा हासिल करने के लिए संदीप ने शुरू में बुकिंग ऑर्डर का भुगतान किया, लेकिन धीरे धीरे संदीप ने पेमेंट करना बंद कर दिया। बाद में संदीप ने पीड़ित महिला से माल ढुलाई की रसीद लेने के लिए मनी ट्रांसफर का फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर महिला को पेमेंट हो जाने की बात कही। पीड़ित महिला ने इन स्क्रीनशॉट्स को सच मानकर उसे बिल जारी कर दिए। बैंक अकाउंट चेक करने पर महिला को पता लगा कि उसको अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। फर्जीवाड़े का एहसास होने पर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे नाम बदलकर हैदराबाद में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। मध्य जिला पुलिस ने करोलबाग इलाके के एक मोबाइल व्यवसायी से 70 लाख रुपए लेकर फरार चल रहे आरोपी मोहित पवार को गिरफ्तार किया है। मोहित मोबाइल कारोबारी के पास ही कैश लाने ले जाने का काम करता था। हाई रिस्क जॉब होने की वजह से मोहित शॉप ओनर से सैलरी बढ़ाने की बात करता था। इसी बात पर इसकी अपने मालिक के साथ कहा सुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर मोहित ने मोबाइल कारोबारी को सबक सिखाने की सोची। एक दिन जब दुकान मालिक ने इसे 70 लाख रुपए कैश रोहिणी में किसी को देने के लिए भेजा तो ये पैसे लेकर फरार हो गया।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलांस के जरिए मोहित की लोकेशन को नोएडा में ट्रेस कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक स्कूटी सहित 55 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया है। चोरी के वाहन खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी अमरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चोरी के वाहन खरीदने के बाद ये उनके सभी पार्ट्स को अलग अलग कर उन्हें दिल्ली एनसीआर में ऑटो पार्ट्स डीलरों को बेच दिया करता था। पुलिस को चोरी के वाहनों के एक खरीदार के ढिचाऊ कला गांव में मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स बरामद करते हुए कई अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो कुख्यात झपटमार राहुल और समीर को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने कैनॉट प्लेस इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपट लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, साथ ही जगह जगह पुलिस पिकेट को भी एक्टिव कर दिया गया। इसी दौरान चेम्सफोर्ड रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने दो संदिग्ध लोगों को शक के आधार पर रोका तो ये भागने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि फरार हो पाते पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान राहुल और समीर के रूप में हुई। इनके पास से मिली बाइक खयाला इलाके से चुराई हुई निकली। साथ ही तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 44 मोबाइल फोन और बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने अंशुल और शेखर नाम के दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी गैर कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर ये लोगों को डरा धमका कर उनसे लूटपाट करते और मौके से फरार हो जाते थे। लूटपाट के लिए इन्होंने बाइक और स्कूटी भी चुरा रखी थी, जिन पर पुलिस भी लिखवा रखा था। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को गगन सिनेमा के नजदीक लुटेरों द्वारा एक शख्स के साथ लूट और मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और अंशुल को धर दबोचा। जबकि भागने में कामयाब रहे शेखर को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चोरी के दो दुपहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।